नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि कांग्रेस की सरकार बने हुए आज पूरा 1 साल हो गया और इसका एक जश्न धर्मशाला में मनाया गया। वहीं पे विपक्ष ने, भाजपा ने इसको आक्रोश दिवस के रूप में मनाया है। पूरे हर जिला मुख्यालयों पे आज इसको मनाया गया है। तो कैसा रहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का 1 साल? उसमें क्या उपलब्धियां रही, क्या उनकी कमियां रही? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा का एक बड़ा दौर आया, उससे भी जूझे वो। कहीं ना कहीं वो चीजें जो एक क्रम सरकार का होना चाहिए था, उसको ब्रेक लग गई कुछ महीनों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी काम होते रहे। कहीं पे शिकवे शिकायत चलती रही, एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया गया, कुछ कार्य लीक से हटके करने की कोशिश की गई, जिसमें एक सबसे बड़ा कार्य था कि सरकार के राजस्व को कैसे, उसमें वृद्धि की जाए, कैसे घाटे से उभारा जाए, इसके लिए कुछ प्रयास भी। और मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने 1 साल के कार्यकाल में 1100 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ाया है। वहीं केंद्र से शिकायत रही कि आपदा में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, 9,900 करोड़ के दावे भी भेजे गए, लेकिन आज तक केंद्र ने कोई मदद नहीं की। इसी कशमकश में सरकार चलती रही और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बजेंद्र मेहरा जी हैं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमन केश आजटा जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसकी जाहिर है शुरुआत हमें विपक्ष से करनी पड़ेगी कि विपक्ष के तौर पे भाजपा, संजय जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल को किस नजर से देखता है? इसमें क्या आपको कमियां दिखी और क्या इसमें कुछ अच्छा दिखा आपको? जी देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, सरकार के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी किस नजर से देखती है या प्रदेश की जनता किस नजर से देखती है, इस बात का आईना जो है वो आज कांग्रेस पार्टी की हाईकमान जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उन्होंने दिखा दिया है। इस रैली के लिए, अपनी नाकामियों के 1 वर्ष की रैली के लिए जो कार्यक्रम धर्मशाला के अंदर रखा गया था, उसमें बहुत घोषणा करी गई थी। पहले कहा गया था राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, फिर बाद में कहा गया राहुल गांधी तो नहीं आ सकते लेकिन प्रियंका गांधी आएंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। ना खड़गे आए ना प्रियंका आई। तो इस जबकि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद है, सुबह से लेकर के दोपहर तक 1 बजे तक, 11 बजे का टाइम जो है वो रैली का रखा गया था, लेकिन 1 बजे तक मुख्यमंत्री प्रयास करते रहे कि प्रियंका गांधी किसी तरह से धर्मशाला पहुंचे, लेकिन वो नहीं आई। तो सरकार कहाँ पे खड़ी है, इस बात का आईना जो है वो प्रदेश की जनता तो दिखा ही रही है। आज कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने उसको ये आईना दिखा दिया कि आप कहाँ पे खड़े हो। पहली सरकार प्रदेश के अंदर है जो अपने 365 दिन की 365 नाकामियों के ऊपर, 365 झूठ के ऊपर जो है वो आप किस बात का जश्न मना रहे हो। आप जिला कांगड़ा, जिसके साथ आपने सबसे बड़ा राजनीतिक भेदभाव किया, उस जिला के हेडक्वार्टर के ऊपर बैठ करके आप वहां के लोगों को, जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हो। अब किस बात की सरकार, किस बात का जो है वो जश्न है? ये पहली सरकार देश के अंदर, पहली सरकार है जिसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन वो जश्न मना रही है। और जश्न किसकी कीमत के ऊपर? देश प्रदेश की जनता के पैसे के ऊपर अपना जश्न मना रहे हो। एक तरफ प्रदेश जो है वो आपदा से जूझ रहा था, आप कहते प्रदेश के पास संसाधन नहीं है, साधन कम है, लेकिन आपने उन्हीं पैसों के साथ करोड़ों रुपया, आप अपने होर्डिंग्स के ऊपर करोड़ों रुपया जो है वो आप इस रैली के लिए खर्च कर रहे हो। तो आप जो है, आपके किस स्थान पे खड़े हो? ये मेरे पास, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है जिसके ऊपर हम हिमाचल और हिमाचलियत, ये इन्हीं का घोषणा पत्र था जिसके अंदर 1 लाख नौकरी सबसे पहला पॉइंट इनका था, 1 लाख नौकरी पहली मंत्रिमंडल की बैठक में देने का फैसला किया जाएगा। 1500 रुपया प्रति महिला प्रति घर, अगर चार हैं, चार को इनके मंत्री, इनके कई उम्मीदवार उस समय, एक होगी तो 1500, दो होंगी तो 3000, चार होंगी तो 6000, इस तरह की घोषणाएं इनके मंत्री करते थे, मुख्यमंत्री स्वयं उस समय करते थे, इनके नेता प्रतिपक्ष करते थे। आज कहाँ है, 1 वर्ष बीत गया।
आप मात्र स्पीति की 800 महिलाओं को 1500 रुपया दे करके लाहौल स्पीति आज घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। नहीं वो अगर पूरे लाहौल स्पीति में क्या आप लाहौल स्पीति के रास्ते सत्ता आपको मिली कांगड़ा के रास्ते से सत्ता आपको मिलती है जहां पे अधिक सीटें आई हैं, विश्वास आपके ऊपर व्यक्त किया जाता है और आप घोषणा कहां करते हो यहां पे विधानसभा की एक सीट है जी। आप प्रदेश के शिमला के आप शिमला क्यों नहीं चुन लेते, आप कांगड़ा क्यों नहीं चुन लेते। 5 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर कांगड़ा जिला के साथ थे। डॉक्टर वाईएस परमार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कांगड़ा के साथ जो है कांगड़ा को पूरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। उसके बाद रामलाल जी बने, उन्होंने पूरा प्रतिनिधित्व दिया। वीरभद्र सिंह बने, उन्होंने पूरा प्रतिनिधित्व दिया। लेकिन आप जो है आपने प्रदेश के आप पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े जिला को जो है वो दरकिनार किया, आपने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आप कोई योजना जो है वो कांगड़ा के लिए लेकर के नहीं आए। पिछले 4 जुलाई से 30 करोड़ रुपया केंद्रीय विश्वविद्यालय को देने के लिए फाइल आपके पास पड़ी है, जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम के ऊपर आपके विधायक जीत करके आए। आज वो विधायक भी चुप है, वो मुख्यमंत्री भी चुप है। भारत सरकार ने कहा कि उन्होंने पर्यावरण की जितनी आपत्तियां थी वो दूर करी और उसके बाद जो है वो इसकी घोषणा करी कि सरकार वन विभाग को 30 करोड़ रुपया जमा करवाए और उसके एवज में हम बहुत जल्दी जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन आपने वो नहीं करवाया। आप किस बात का जश्न आप आज जो है वो यहाँ पे मना रहे हैं। चलिए मैं सांख्यान जी के पास जाऊंगा। सांख्यान जी एक बड़ी बात इन्होंने की, और आज जयराम ठाकुर जी ने शिमला में जो आक्रोश रैली थी दिवस था उसमें साफ कहा कि केंद्रीय नेताओं ने भी पल्लू झाड़ लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो एक साल का कार्यकाल रहा है उससे पल्लू झाड़ लिया है। वो बार बार दिल्ली गए न्योता देने लेकिन कोई नहीं आया, और प्रियंका गांधी जी शिमला में मौजूद हैं लेकिन वो धर्मशाला की रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया और काफी दोपहर तक उनको मनाते रहे कि वो वहां पे जाएं। ऐसे आरोप जयराम ठाकुर जी ने भी लगाए हैं। तो क्या कहीं कोई कमी है, आक्रोश दिवस का रूप में एक विपक्ष को एक बल मिल गया है कहीं ना कहीं, जो आपके केंद्रीय नेताओं ने दूरी रखी इस रैली से। जी संदीप जी। डॉक्टर साहब तो धन्यवाद, मैं अभी रैली स्थल से ही आ रहा हूँ और गाड़ी में ही हूँ अभी, आपको बता दूं मैं जी। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से आक्रोश रैली की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों से ऐसा व्यवहार कर रही है कि कांग्रेस की सरकार अपने 5वें वर्ष में काम कर रही है। हमारे को लोगों ने जो जनमत दिया है वो 5 वर्षों के लिए दिया है, ना कि 1 वर्ष के लिए दिया है, इस बात का ध्यान रखें। और जहां तक कांग्रेस के बड़े नेताओं के आने की बात थी तो ऐसा ये एक बात कहीं से निकल के आई थी, लेकिन कहीं पे भी मैं कहता हूं मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कोई एक ऐसा कार्ड निमंत्रण पत्र ऐसा बता दे मेरे को जिसके अंदर प्रियंका गांधी जी का नाम छपा हो। वहां पे जो एक साल पूरा होने का जो कार्यक्रम रखा था, जो वार्षिक समारोह रखा था, उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नाम था। आप बता दें मुझे कि कौन से कांग्रेस के बड़े नेता का, केंद्रीय नेता का उसके अंदर हमने नाम छापा तो सो दैट कि वो बाद में नहीं आए। हाँ अपनी उनका निजी अपना कोई अगर शिमला में है तो उनका कोई निजी कार्यक्रम हो सकता है, उनकी निजी व्यवस्था भी हो सकती है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी आपदा यहाँ पे आई हिमाचल प्रदेश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर फला जिला में फला धाम बनती है। मेरे को बताओ हिमाचल प्रदेश के बारे में जब वो दूसरा घर बताते थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा के लिए क्या दिया। अब रहने दीजिए अब इस बात को भी, मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, पूरे के पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा के पूरा विपक्ष एक आदमी के पीछे पड़ा है और उस आदमी ने हर स्थिति का सामना किया है, वो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने डंके की चोट पे जो निर्णय लिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हालत तो इस समय प्रदेश के अंदर ऐसी कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उनको आए दिन कोई ना कोई उनको सिर्फ ठाकुर सुखविंदर सिंह। मुझे ये बता दे कि अनुराग ठाकुर या अपने जो जयराम ठाकुर हैं, अनुराग जी हैं या बिंदल जी हैं, कहीं रात को सुक्खू जी उनको सपने में तो नहीं डराते। हाँ अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, योजनाओं की बात करूं, अरे भैया
10 से 12 हजार रुपए का यहाँ पे आपदा पे हुआ, एक नया फूटी कौड़ी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4500 करोड़ रुपए का पैकेज यहाँ पे घोषित किया, और जहां पे आपका घर टूटता था 1,30,000 रुपए मिलते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी यहाँ पे चेक दिए 7 लाख रुपया प्रति घर को दिया है, है ना। ये जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, मैं कहता हूँ आज ये योजनाओं का ये जो अपना दिखा रहे थे, हमारी गारंटियों की बात कर रहे थे, इन गारंटियों के अंदर इस पत्र के अंदर हर चीज यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जनता को दिखाई गई है। मैं कहता हूँ कि एक प्रवक्ता इसका जो ये पत्र है, इसको मैं व्हाट्सएप की कॉपी आपको भेजता हूँ कि इसके अंदर बहुत सा डेटा कंपाइल्ड है और कितना हमने यहाँ पे राजस्व इकट्ठा किया है और कौन कौन सी योजनाएं हमने चलाई हैं और कितना हमने जो वेतन भत्ते हैं और कितने हमने रोजगार के जो सृजन नए सृजन किए हैं और कितना हमने राजस्व बढ़ाया है, वो सारा के सारा इसके अंदर दिया गया है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बार इसको पढ़ लें और इसको देख लें सो दैट की इनकी आंखें खुल जाएं। और मैं कहता हूं कि आप इसको बिंदल जी को भी पढ़ाइए, जयराम ठाकुर जी को भी पढ़ाइए और अनुराग ठाकुर जी को भी पढ़ाइए, और ताकि उनको पता तो लगे कि माननीय जब आप पूरा के पूरा जो कहते हैं ना एक गठड़ी जो होती है राजस्व की, वो मोदी जी ने वहां पे बांध के रख ली है और उनको उनको लगता है कि कैसे ना कैसे हिमाचल के अंदर अराजकता, सरकार के अंदर अराजकता फैलाई जाए और कैसे ना कैसे हिमाचल की सरकार को जो है वो असहाय डिक्लेयर करें, लोगों के अंदर बदनाम करें। अरे नहीं, हिमाचल प्रदेश की जनता बिल्कुल समझती है कि ये आदमी जमीन से निकल के आया है। वो आपके पास सही है, मैं मेहरा जी के पास आता हूँ। मेहरा जी, आप इस सरकार के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी बात थी, आप तो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कई मांगे हैं, अलग अलग वर्गों की मांगे हैं। वहीं पे श्रमिक कल्याण बोर्ड की एक योजना थी जो मनरेगा मजदूरों को लाभ देती थी, वो भी बंद हुई है। वो आप क्योंकि इन संगठनों से जुड़े हुए हैं, आप मजदूरों के कर्मचारियों की दृष्टि से सरकार को कैसा मानते हैं? जी धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। वास्तव में जो आज का जिस तरीके के कार्यक्रम दोनों तरफ से हो रहे हैं, पहली बात तो ये कि सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है 1 साल पूरा होने पर, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो हमारी पार्टी तो ये समझती है कि इस तरीके के फिजूल खर्ची करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को करने के बजाय और करोड़ों रुपए लगाने के बजाय, क्योंकि करोड़ों रुपए तो आपके बसों में ही लग गए और वहां जो रखरखाव होगा, वहां जो ठहरने की व्यवस्था होगी, जो वहां पूरा शामियाना टेंट सारा ग्राउंड की जो साज सज्जा होगी, प्रचार है सारा, उसमें करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिए, तो ये अपने आप में कोई इसका जरूरत नहीं थी, पहली बात ये। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की नौटंकी कर रही है कि ये जो है विफल रही सरकार, इनको भी कोई इस तरीके की नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं थी, ये दोनों तरफ से नौटंकी ही हो रही है वास्तव में, क्योंकि असल मुद्दा तो ये है कि पक्ष और विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी जनता के प्रति, क्योंकि जो सरकार ने वायदे किए थे, हालांकि ये बात ठीक है कि कुछ सांकेतिक कदम सरकार ने उठाए, सिर्फ टोकनिज्म है, सुखाश्रय योजना ले लो, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि कुछ एक स्कीम कर दी, ओपीएस कुछ पैमाने पर उसको लागू कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पर जो निगम और बोर्ड है वहां पर जो है आज भी ओपीएस लागू नहीं है, या कुछ महिलाओं के संदर्भ में कुछ छोटा मोटा बात कर दी, लेकिन असल बात यह है कि आज भी जो वायदे करके ये सरकार आई थी वो वायदे उस तरीके से पूरे नहीं हुए। ये ठीक है कि आपदा के दौर में एक भूमिका रही इस सरकार की, जो उसने काम किया उसमें लोगों का समर्थन भी रहा, हालांकि केंद्र की सरकार जो है उसने उस तरीके से मदद नहीं की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है 5 साल के लिए सरकार चुनकर आई है, ये बिल्कुल सही है और 5 साल के लिए ही घोषणा पत्र होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जनता आपसे 5 साल के बाद प्रश्न करेगी। जनता तो हर दिन प्रश्न करेगी, अगर 5 लाख रोजगार का वायदा किया है तो 5 साल में किया है ना, हर साल एक स्पेसिफिकली लिखा है घोषणा पत्र के अंदर, हर साल 1 लाख रोजगार, तो एक साल तो हो गया ना, 1 साल में कितने लाख रोजगार दिए जी, 1 लाख दिया क्या रोजगार? मैं तो कहता हूँ 10,000 रोजगार भी नहीं दिया, 5,000 रोजगार भी नहीं दिया। उल्टा क्या हो रहा है, कल आप लोगों ने रिपोर्ट किया अखबारों के अंदर इसको और मीडिया के अंदर, कि जो आउटसोर्स पे लगे हुए लोग हैं उनको ही निकालना शुरू कर दिया इन्होंने, जो कोविड वॉरियर्स थे जिन पर फूल बरसाए गए हेलीकॉप्टरों से और जिन्होंने मानवता की रक्षा की उनको निकाल दिया, आपने देखा भी सैकड़ों लोग जो 1800 से ज्यादा लोग उनको नौकरी से निकाल दिया, अभी आईपीएच के अंदर जो लोगों को निकालना शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि हम जो है उसमें रेगुलर भर्ती करेंगे, तो जिन्होंने सालों साल इन विभागों के अंदर जो अपना वक्त दिया, समय दिया, हिमाचल प्रदेश को चलाया, वो कहां जाएंगे? तो मूल बात यह है कि सरकार का जो दृष्टिकोण है वो शायद उस तरीके से जन हितैषी नहीं नजर आ रहा है।
हालांकि ये सही बात है कि ये एक साल का थोड़ा अरसा उस रूप में रहा जहां आपदा भी थी, और आपदा में एक काम सरकार ने निश्चित तौर से किया है, उसमें एक भूमिका उसकी रही है, केंद्र सरकार से उस तरीके से मदद नहीं मिली वो सच्चाई है, लेकिन केवल आपदा के 2-3 महीने के आड़ में अगर सरकार ये कहना चाहेगी कि हमने जो अपने वायदे थे, क्योंकि बीजेपी को तो ये भी मालूम नहीं है, मैं जो समझ रहा हूँ ये बोलते हैं 10 घोषणाएं कि 10 वायदे, इनको तो ये भी मालूम नहीं है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कितने, उन्होंने 20 से ज्यादा कैटेगरी बनाई थी, 10 कैटेगरी कहां से आ गई भाई, इसका मतलब 10 कैटेगरी को ये भी लागू नहीं करना चाह रहे हैं, जो इनके मतलब जो जहन में नहीं है बातें उनको ये भी नहीं समाहित करना चाहते हैं, उनको ये नहीं लेना चाहते हैं। तो आज जो बुनियादी प्रश्न जो मैं कहना चाह रहा हूं, रोजगार का एक संकट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ा है, आज जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार पूरे हिंदुस्तान के अंदर त्रिपुरा और हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फौज है, इन लोगों को रोजगार कौन देगा? आज सोशल मीडिया में मजाक बन रहा है इस सरकार का कि जो उस वक्त भी जो फॉर्म लिए थे, जो लोगों ने फार्म भरे थे, आज भी उसके इंटरव्यूज नहीं हुए, आज भी जो उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, और बहुत सारे लोग आपको स्वयं मालूम है सेक्रेटरीट के बाहर कितनी बार आ चुके हैं, वहां जो है वो रो रहे हैं, वहां बिलख रहे हैं, वो रातों को बैठ रहे हैं, वो ठंड में जो है पूरा वहां एक आंदोलन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इस सरकार को काम करना चाहिए था, बजाय इसके कि हो हल्ला करते धर्मशाला के अंदर जाकर और वहां पर जो इस तरीके की रैली करते, करोड़ों रुपए उसमें लुटाते, करोड़ों रुपए लुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो BOCW की बात की, अब बताइए मुझे सबसे गरीब आदमी कौन है हिमाचल प्रदेश के अंदर? हिमाचल के अंदर सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन कौन है? सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन हिमाचल के अंदर मनरेगा है ना। मनरेगा के अंदर जो है आपके 14 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, जिसमें सक्रिय जो आपके काम कर रहे हैं मनरेगा में 7-8 लोग काम कर रहे, 7-8 लाख लोग काम कर रहे हैं। वो 7-8 लाख लोग जो हैं और जो निर्माण के मजदूर हैं, उसके लिए जो हिमाचल हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर और जो 1996 का कानून है उसके अनुसार जो BOCW का कानून बना, वेलफेयर बोर्ड बना, इस सरकार ने तो आकर ही उस वेलफेयर बोर्ड को जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। आज निष्क्रिय है वो, पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, लोगों के बच्चों को वजीफे नहीं मिल रहे हैं, पिछले 1.5 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है उसका पैसा उसको नहीं मिल रहा है, किसी का शादी ब्याह उसका पैसा उसको नहीं मिल रहा है, अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है उसका पैसा उसको नहीं मिल रहा है, अगर कोई बीमार हो रहा है जो उसमें 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक की मदद थी वो मदद ये सरकार नहीं कर रही है। और इस सरकार का कोई हक नहीं था उस BOCW पर, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, सरकार उसके पैसे पर जो है वो बैठ नहीं सकती है कुंडली मारकर। तो ये सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, अभी वक्त है इनके पास, अभी 4 साल है इनके पास, ये अपनी कार्यशैली को सुधारें बजाय इसके कि जो हो हल्ला करें, रैलियां करें, इस तरीके के जो है पॉम्प एंड शो करें, इस तरीके का दिखावा करें, उसके बजाय जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर इनको आना पड़ेगा। जो दूध लेने का सवाल था, जो गोबर लेने का सवाल था, जो किसानों के लिए जो है पॉलिसी बनाने का सवाल था, जो सब्सिडी का सवाल था, जो मजदूरों की दिहाड़ी 500 रुपए करने का सवाल था, जो मजदूरों के वेतन को महंगाई सूचकांक से जोड़ने का सवाल था, जो फसलों के लिए और जो फलों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का सवाल था, जो HPMC और हिमफेड को मजबूत करने का सवाल था, मतलब बहुत सारे सवाल हैं जिस पर शायद बहस आगे बढ़ेगी तो उनसे भी चर्चा होगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार पूरी तरह से बीजेपी को ही कॉपी कर रही है, ये मानना पड़ेगा, ये उन्हीं नीतियों को लागू कर रही है, नवउदारवादी नीतियों को जो मोदी जी लागू करना चाह रहे हैं। आप देखिए स्मार्ट मीटर की योजना इन्होंने ला दी है, मोदी ने जो लागू की है, सब जानते हैं स्मार्ट मीटर योजना क्या है, इससे जो आने वाले समय में आम जनता तबाह हो जाए। एक तरफ आपने घोषणा पत्र में लिखा है हम 300 यूनिट मुफ्त में देंगे बिजली, तो दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लेके आ गए, यानी बिजली बोर्ड ही नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा प्राइवेट कंपनी उसके भी मासिक बिल में पैसे देने पड़ेंगे, वो भी कीमत बिल्कुल ना, वो आपका मोबाइल बन जाएगा, प्रीपेड बन जाएगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा, आप अंधेरे में चले जाएंगे, आप दोबारा से 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं जनता को। तो ये सारे विषय जो हैं, जिन विषयों पर कांग्रेस को एक काम करना चाहिए था उसके बजाय, क्योंकि आपदा आई थी, कितना पैसे की जरूरत है अभी उससे उबरने के लिए, जो केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है 10,000 करोड़ रुपए का, जो हमारी पार्टी भी मांग कर रही है, लेकिन ये तो उल्टा जो है वो उस पैसे को बचाने के बजाय इस तरीके की रैलियां इन्होंने शुरू कर दी और दिखावा शुरू कर दिया और फिजूल खर्ची शुरू कर दी, और भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा कर रही है उसका विरोध कर रही है, मौका भी नहीं दे रही। जी चलिए मैं आस्था जी के पास आता हूँ। आस्था जी, मुख्यमंत्री ने आज भी जो वहां पे भाषण दिया धर्मशाला में, उन्होंने कहा कि मैंने 3 गारंटियां लागू कर दी हैं और अगले वित्त वर्ष में 3 गारंटियां और लागू करने जा रहा हूं। इस मौके पे उन्होंने कहा कि अगले साल 20,000 सरकारी पद पहली बार भरे जाएंगे, शायद पिछली भाजपा की सरकार ने पूरे 5 साल में इतनी सरकारी दायरे में नौकरियां नहीं दी हैं। दूसरा, उन्होंने दूध की कीमत, हालांकि वायदा 100 रुपए किलो लीटर खरीदने का था लेकिन उन्होंने 31 रुपए ले रहे हैं, अभी वो 6 रुपए में उसकी बढ़ोतरी 1 जनवरी से करके 37 रुपए की है।
वही उन्होंने गोबर खरीदने को भी मंजूरी दे दी कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, और लाहौल स्पीति से 1500 रुपए महिलाओं को देने की भी घोषणा आज की है। तो आजता जी, गारंटियां जो थी, कहीं ना कहीं भाजपा का आरोप है कि इनके बड़े नेता केंद्र के इसलिए नहीं आए, और हिमाचल में रहते हुए प्रियंका गांधी एक छोर से दूसरे छोर पे रैली में भाग लेने नहीं गई, कहीं ना कहीं गारंटियों को लेके ही, क्योंकि गारंटियां दी नहीं गई और वो पब्लिक को फेस कोई भी लीडर करना नहीं चाहता, ऐसे भी आरोप जयराम ठाकुर ने आज लगाए हैं शिमला में। जी आजता जी, देखिए राजीव भाई, सबसे बड़ी बात तो ये इसमें यही आती है कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो इसलिए पहले आप ये देखिए, जो विजेंद्र जी भी कह रहे थे, सरकार का मैं मानता हूँ संगठन का ये थोड़ा बहुत बनता था कि आप एक साल अगर हुआ है तो आप उसको छोटे लेवल पे भी सेलिब्रेट कर सकते थे, जिला मुख्यालय में आप रख सकते थे, वो इनका एक प्रेरोगेटिव है, बनता भी है। चलिए मान लीजिए आपने बहुत अच्छे का अगर काम किए होते तो उसको शो केस करने का भी एक मौका रहता था सरकार के पास, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि एक साल के अंदर आप ऐसा कुछ तीर मार दिया है कांग्रेस ने। थोड़ा बहुत हम लोग इसलिए सॉफ्ट ओवर रख सकते हैं कि कांग्रेस का जो बीच में 2-3 महीने के लिए जो आपदा ने बैकफुट पे पूरी सरकार को ला दिया, उसमें काम करने का भी मौका नहीं मिला, और जो बहुत सारी चीजें ये थी कि फाइनेंशियल उसमें डाइवर्ट करने पड़े कुछ सारे फंड्स, अब उसमें पहले से हम लोग कह रहे थे कि भाई आप तैयार रहिए, केंद्र की ओर से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी बहुत स्टेटों में पहले भी लॉलीपॉप दे के आए थे, तो वैसा ही कुछ हिमाचल के साथ भी होना था। और मैं तो बार बार बोल रहा था आपको, और डिबेट्स में भी कई बार आप लोगों को भी मैंने यही कहा था कि केंद्र की ओर देखना बंद कीजिए, ये भीख मांग करके कटोरा लेकर के खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल को अपने पांव पे खड़ा होकर के गिर के संभल कर खड़ा होने पर सीखना पड़ेगा। अब जहां तक बात रही गारंटियों की, वो तो पहले दिन से साफ दिख रहा था कि सारे का सारा ये मतलब जितना भी इकोनॉमिकली अगर आप देखें, कोई भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिस्ट हो तो वो ये जान सकता था कि इन सब के लिए तो कोई पैसों के लिए प्रोविजनिंग है ही नहीं है, बजटरी एलोकेशन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उधर 76,000 करोड़ का आपके पास कर्ज था, वो आपको लाइबिलिटीज वापस करनी है, वो इंटरेस्ट उसमें लाइबिलिटीज होती है। दूसरी तरफ आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो जिसमें कोई औचित्य ही नहीं था। अब मैं अगर आप पहली गारंटी की भी बात करें ओपीएस की, तो वो तो मुश्किल से 500 लोग उसके बेनिफिशियरी हैं फर्स्ट ईयर में अभी तक के, तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा क्या हो गया। और इन्होंने कितना हजार करोड़ अंदर लाया रेवेन्यू में ईयर ऑन वाई ऑन वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कि बजटरी कितना इंक्रीज हुआ। अब ये कह रहे हैं 20% है, अगर 20% आपने रेवेन्यू बढ़ाया तो आपको तो केंद्र सरकार के लिए रोना ही नहीं चाहिए, आपको तो फिर जरूरत ही नहीं है फंड्स की। और भाजपा के पास अंधाधुंध पैसा है, भाजपा के पास एक बहुत बड़ा संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भाजपा को अपना सब कुछ लोगों के बीच में लाइव रहने के लिए ये ऐसे कार्यक्रम इनको करने पड़ते हैं। इसी बहाने इन लोगों का थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाता है, जबकि पूरा साल हो गया है, पहले दिन से भाजपा ने विरोध करना शुरू कर दिया, बिना किसी कारण के भी भाजपा विरोध करना कर देती है। तो यही रैलियां इन्होंने भी की थी, उसमें भी भाजपा ने HRTC को पैसा आज तक नहीं दिया, जो मोदी जी की रैलियों के लिए ये भीड़ इकट्ठी करके वो कांग्रेस ने आके दिया। और मैं बिल्कुल हम लोग सख्त खिलाफ हैं, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, इतने बड़े स्तर पर लोगों की देखिए आप सेवाएं, जो रूट फेल हुए हैं उन रूट पे बसेस नहीं जाएंगी, लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, एग्जाम्स बच्चों के हैं, उसका क्या होगा। और ऊपर से आप ट्रैफिक में देखिए कितना प्रॉब्लम होता है, आने जाने में बीमार लोग हैं, एम्बुलेंसेस का इश्यूज होता है, उसका क्या होगा। अब दूसरी गारंटी इन्होंने जो कही थी, जिसमें कि रोजगार बहुत बड़ा एक मुद्दा है, अब 1,00,000 और 10,000 में तो बहुत फर्क होता है ना जी, और हम लोग ऑलरेडी 13-14% के पे बेरोजगारी दर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो इससे बड़ा आप इसमें तो कोई रीजन भी नहीं है सेलिब्रेशन करने का। हमें तो उल्टा काम हिमाचल को ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खास करके जो निचला दबका है, उसके लिए आप ऐसी योजनाएं लेके आइए। जैसे विजेंद्र जी भी बोल रहे हैं कि मनरेगा में एक बहुत बड़ी धांधली है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, वहां पे जॉब कार्ड्स किसके हैं। हमारे क्षेत्र में तो बहुत ही बुरी स्थिति है मनरेगा में, मतलब वो लोग दे रखे हैं जो 1,25,00,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं मनरेगा के कार्ड बने हुए,
20 लोगों के कार्ड इकट्ठे किए जाते हैं, वहां पे मशीन द्वारा काम किया जाता है। तो इसका इसको डाइवर्सिफाई किस तरफ करना चाहिए कि वहां पे जो लोग है, क्यों आप मिनिमम पे चलते हैं, उनको पूरे 300 दिन आप काम दीजिए, उनको ज्यादा मिलेगा ना काम, बनिस्पत इसके कि आप फर्जी आप इकट्ठे कर रहे हो किसी के कार्ड। तो ये सरकार को सिस्टम में, जिस सिस्टम में स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, बहुत सारी अभी भी ऐसा ही है, इनके जो काफी सारे नेता हैं अभी भी संगठन में और उसमें सरकार में जो समन्वय होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग दिशा से अलग अलग बातें आ रही हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए कांग्रेस को थोड़ा अब इनको पैनिक बटन दबाना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए चेतावनी इसलिए भी शुरू हो जाएगी क्योंकि भाजपा तो बड़ा संगठन है, वो तो विरोध करेगा ही, ना ही भी करना होगा तो उस बात में, लेकिन साथ के साथ अब लोग जो हैं, अब जा करके एक साल के बाद आपको असली में देखने, आपकी कार्यशैली को देखना शुरू करते हैं, आपके फेलियर्स को धीरे 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 अगर वो बड़ा होते हुए देखेंगे तो आप दूसरों के लिए आप जो है कदम आसान कर देंगे कि भाई सरकार ने इसने भी वो नहीं किया। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ कि लगभग अगर आप कांग्रेस और भाजपा को देखेंगे तो कोई ऐसी आपको किसी भी, चाहे आइडियोलॉजिकल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगर इनका वर्किंग वो देखेंगे या गवर्नेंस के मॉडल्स देखेंगे वो लगभग एक जैसे हैं, कि एक ऊपर का एक वो है काफी ऊपर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उन्हीं को बेनिफिशियरी वही रहते हैं इन सरकारों में हमेशा, चाहे वो ठेकेदारी है, अधिकारी है, राजनेता है, बाकी गरीब वर्किंग तो सिमिलर ही होती है, बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क होता है। जी संजय जी से पहले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फिर सांकेत जी के पास आऊंगा सभी के जवाबों के लिए। जी संजय जी माइक। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं विजेंद्र मेहरा जी सीपीएम के हमारे मित्र हैं, मैं इनकी बात कर, इनको इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतना हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। हमें जनादेश मिला विपक्ष में बैठने का, और विपक्ष में बैठने का जब से जनादेश मिला हमारी जिम्मेदारी पहले दिन से शुरू हो जाती है सरकार के ऊपर, सरकार के हर फैसले के ऊपर नजर रखना। क्या प्रदेश के अंदर सरकार ने आते ही वैट लगा दिया, क्या उसके ऊपर डीजल के ऊपर वैट लगाया, क्या उसके ऊपर आवाज भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी? क्या यह जन विरोधी फैसला नहीं था? जन विरोधी फैसले के ऊपर बोलने का अधिकार जो है वो विपक्षी दल को नहीं है? क्या बिजली के उद्योगीकरण, आपने कहा था कि उद्योगों को बढ़ावा प्रदेश में दिया जाएगा, उद्योग की बिजली अगर बढ़ा दी जाती है, पैसा बढ़ा दिया जाता है, उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएगा? क्या बसों का किराया बढ़ता है, क्या कोई और समस्या आती है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर जन विरोधी फैसले के ऊपर आवाज उठाने का, अगर हमें जो है जनादेश मिला है तो निश्चित तौर पे अगर हमें दिन में उठानी पड़ेगी दिन में उठाएंगे, रात के काले अंधेरे के अंदर कोई सरकार गलत फैसला लेगी उसके ऊपर भी आवाज उठाएंगे, दिन में 10 बार उठानी पड़ेगी 10 बार उठाएंगे। और उसके बाद मैं आ जाता हूं कि सरकार ये कह रहे हैं हमारे सांगचान जी कि सरकार की पॉपुलैरिटी और मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी, तो उसका आज जो है वो मीडिया ने स्वयं दिखा दिया कि स्कूली बच्चे और सरकारी कर्मचारियों को, जिस सरकार को पहले ही साल के अंदर जो है वो अपने स्वागत के लिए खड़ा करना पड़ रहा है, उस सरकार की पॉपुलैरिटी जो है वो लोग आईना दिखा रहे हैं उस सरकार को। और उसके बाद रही, उसके बाद ये पहली सरकार है, आप कहते हैं संसाधन जुटाएंगे, किस तरह से जुटाएंगे? ये धौलाधार पर्वत है, ये सामने धौलाधार श्रृंखलाएं हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी का या सरकार का क्या योगदान है? प्रकृति ने दिया है, उसके ऊपर आप वहां जाने के लिए टैक्स लगा रहे हो? वहां लोगों की आस्थाएं, ट्रैकिंग के साथ साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, लोगों के अपने जो है वो देवी देवताओं के वहां पे मंदिर हैं, हमारे जनजातीय भाई जो है वो वहां पे जाते हैं अपने आराध्य देव को मनाने के लिए जाते हैं, और वहां पे आपको वीडियो दिखा रहे हैं लोग कि लोगों के वहां पे वन विभाग जो है वो वहां पे उनका टिकट काट, 200 रुपए का टिकट काट के वहां पे जाने की अनुमति दी जा रही है। इस तरह से आपने कहा था पर्यटन बढ़ाएंगे, ये आपके विजेंद्र जी कह रहे हैं कि आप 10 बोल रहे हैं, ये हमारे पास 30 योजनाओं का इनका खाका पड़ा है, मेरे साथ में पड़ा है, एक एक योजना के ऊपर अगर आना चाहे और डिस्कस करने लगे हमारा डिबेट पूरा इसके अंदर निकल जाएगा। आपने कहा था पर्यटन के ऊपर, पर्यटन को बढ़ावा देंगे और कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाएंगे, आपने क्या किया? आपने जितना ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपने कितने टैक्स लगा दिए? आपने
यहाँ पे पूरे पूरे दूसरे प्रदेशों से जो है यहाँ पे पर्यटक आ ना सके, पर्यटकों को लेकर के गाड़ियां आ ना सके, आपने इतना टैक्स बढ़ा दिया, लोगों ने कश्मीर का रुख कर लिया, हिमाचल को छोड़ दिया, ये आपकी पर्यटन नीति है संजय जी? एक आप, मुख्यमंत्री आप, जी इन इन, इन बातों का इन 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 बातों का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री को आज की रैली में देना चाहिए था और क्षमा मांगनी चाहिए थी। मुझे तो ये लगता है कि ये जश्न की बजाय जो है ये क्षमा याचना रैली होनी चाहिए थी कि हमने प्रदेश की जनता के साथ जो है वो एक साल में हम कुछ नहीं कर पाए हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है वो हम क्षमा याचना करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला है कहीं ना कहीं जो खाली खजाना है उसको लेकर चिंतित रहे हैं, उनके बयान भी ऐसे रहते हैं, उनकी कार्यशैली भी ऐसी रही है, वो कुछ ना कुछ करके रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आज भी उन्होंने मंच से कहा है कि कुछ कठोर निर्णय मुझे लेने पड़ेंगे और वो जनता हित में हो गए, आज मंच से कह दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी इस तरह के पग उठा सकती है सरकार, ये लग रहा है। देखिए सरकार जन कल्याण के लिए होती है, सरकार जो है वो लोगों को राहत देने के लिए, अगर एक दल को बदल करके दूसरे दल को लाया जाता है तो इसलिए लाया जाता है कि शायद पुरानी सरकार जो है वो इतना काम नहीं कर पाई, अगली सरकार से ज्यादा अपेक्षा होती है, और आपने जन अपेक्षाओं को धज्जियां उड़ा करके एक साल के अंदर आपने रख दिया। आज ना आप कर्मचारी का डीए और एरियर दे पा रहे हो, आप जो है वो आपने कहा कि हमने तीन गारंटी पूरी कर दी, पहली गारंटी लंगड़ी है अभी तक, जो ओपीएस के ऊपर जो आप कहते हो अभी वो लंगड़ा है, आपने कर्मचारी को असमंजस की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। दूसरी गारंटी आप 800 महिलाओं को जो है वो स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपया दे करके आप मान रहे हो, पूरे प्रदेश के अंदर हमने 22 लाख महिलाओं को उनकी 1500 रुपया देने की हमारी कमिटमेंट गारंटी जो है वो पूरी कर दी। तीसरी गारंटी आप कहते हो 680 करोड़ आपके अपने घोषणा पत्र के अंदर है, 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड जो है आप जनरेट करेंगे और उसके ऊपर एक पाई आपने घोषणा करी, आपने केवल डिस्कस किया कैबिनेट के अंदर, एक पैसा उसके लिए जो है प्रावधान नहीं किया और आप कहते हैं हमने गारंटी पूरी कर दी। जी चलिए, वैट आप बढ़ा रहे हो, हर चीज के ऊपर टैक्स आप बढ़ा रहे हो, आप जनता को राहत देने के लिए नहीं आफत देने के लिए आए हैं। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बनी है, ये 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी के सरकार के समाप्ति के आधार खड़ा है। संजय जी सुन लीजिए, सांख्यान जी तेलंगाना में आपकी सरकार बनती है 6 गारंटियां लेके चुनावों में कूदती है और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में उस पर 6 की 6 गारंटियों पे मोहर लग जाती है, लेकिन हमारे यहाँ एक गारंटी ओपीएस, संजय जी का कहना उसमें भी कारपोरेशन बोर्ड के कर्मचारियों को अभी तक नहीं किया गया, वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इंग्लिश स्कूलों की बात की थी, वो पहली और दूसरी में अभी वो बात हुई है कि वो शुरू करेंगे, ठीक है, और स्टार्टअप फंड की भी अभी एक माह पहले ही बात हुई है और 3 गारंटियां अगले साल में लेंगे। रोजगार की बात, 20,000 रोजगार अगले साल में देंगे, कहीं ना कहीं देरी ज्यादा हो रही है इन चीजों में, इसलिए विपक्ष भी आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है और हाईकमान भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि गारंटियां पूरी ना हुई तो लोकसभा चुनावों में हम कैसे उतरेगी हमारी पार्टी, ये एक चिंता भी है कहीं ना कहीं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप चिंता ना करें, ये सारी के सारी गारंटियां पूरी होंगी और जो हमने गारंटियां दी हैं और उनके उनके लिए हम वचनबद्ध हैं। और जो गारंटियां आज इन्होंने, पहले तो कहते थे पिछली डिबेट में तो ये कहते थे कि जी महिलाओं को 1500 रुपए नहीं देते, हमने लाहौल स्पीति से शुरू किया तो आज ये कहते हैं कि ये छोटे से जिले से शुरू किया। भैया एक बात है कि कहते हैं कि जो गुड बिगनिंग्स हाफ डन, जब शुरुआत होती है तो वो कहीं ना कहीं जाके खत्म होती है, ऐसा नहीं है, तो वहां से शुरू हुआ तो आगे भी चलेगा। स्टार्टअप फंड के अंदर सरकार ने कहते हैं कि प्रावधान नहीं किया है, मैं बताना चाहता हूं सरकार बैंक गारंटी देने को तैयार है, जो 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड हमने दिया है सरकार ने, उसके अंदर इन्होंने शायद पढ़ा नहीं होगा, उसके अंदर हम लोग जो है सरकार जो खुद ब खुद आज तक कहां ऐसा हुआ कि जहां पे सरकार ने अपनी बैंक गारंटी देने की बात की हो, और हमारी सरकार ने ये बैंक गारंटी देने की बात की है। ओपीएस का है ठीक है, जितने लोग रिटायर होंगे या जितने सेवा नीति की तरफ जाएंगे उनको धीरे धीरे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब मैं आता हूं कि कहते हैं कि जो डीए का पुराना भुगतान पड़ा है वो, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं क्या इसी सरकार का पड़ा है वो 12,000 करोड़ रुपया, क्या इनकी सरकार में नहीं था?
क्या बेरोजगारी के बाद के डाटा की जो बात इन्होंने करी है कि हमारा 14% हो गया है, और उसके बाद मैं कहता हूं कि बेरोजगारी क्या इसी एक साल के अंदर ही पैदा हुई? जो पढ़ा लिखा 7 से 8 लाख बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, क्या वो ही नहीं? मैं आज बता रहा हूँ कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से गई थी तो उसके अंदर कम से कम जो थे आपके 7 से 8 हजार पद जो थे इन्होंने भरे नहीं थे। ये क्या करते रहे 5 साल? और पंप पंप शो की बात ये हमारे लिए कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 केंद्र में, और जो पिछले 5 साल इन्होंने किया ही पंप एंड शो है। आप देख लीजिए, कभी देशभक्ति के नाम पे, कभी किसी और के, कोई स्वर्ण जयंती के नाम पे कितने इन्होंने फंक्शन किए, और एक फंक्शन का खर्चा जो था 40 लाख से लेकर 75 लाख तक इन्होंने करा है, तो वो इनको नहीं दिखाई देता कि वो कौन सा था। हाँ, दिस वॉज द प्रोरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने करना था, एक साल आज गवर्नमेंट के हुए, ये कांग्रेस के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए सौभाग्य की बात थी, और इन्होंने किया है। और ये फंक्शन था, ये कहते हैं मैं तो अभी रैली स्थल से गाड़ी में ही बैठा हूं, तब से मैं वहां पे ना स्कूली बच्चे थे और ना कोई इम्प्लॉय थे, वहां पे वही बेनिफिशियरी थे, और जो पुनर्वास का जो पैसा था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, 4500 करोड़ रुपए की जो बात करी थी उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जो पुनर्वास के लिए जो धन आवंटित किया गया है वो लोगों के बैंक खातों में गया है। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, आपका काम तो ये हो गया है विरोध करना। मैं वो एक बात और कहना चाहता हूँ, मनरेगा की बात बीच के अंदर बीच में आई है, मनरेगा के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, मनरेगा की जो गाइडलाइन है एज पर जो अधिनियम मनरेगा का है, वो उसकी जो उसकी जितनी भी गाइडलाइंस है वो केंद्र सरकार तय करती है, ना कि प्रदेश की सरकार तय करती है। और मनरेगा के अंदर जिस तरह से उन्होंने, केंद्र सरकार ने जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है तब से उनसे ये पूछा जाए कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो मनरेगा है उसके अंदर जो नॉर्म्स कांग्रेस के यूपीए सरकार ने बनाए थे उन नॉर्म्स को क्यों चेंज किया गया, जो आज सुखू जी की सरकार को या कांग्रेस की सरकार को एलिगेट किया जा रहा है। धीरे धीरे प्रोसेस होता है और इसको सकारात्मक लेने की आवश्यकता है। अगर आप इसको सकारात्मक तरीके से लेंगे तो मैं निसंदेह मैं कहता हूं कि देख लीजिए, और जो कठोर निर्णय की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है वो कठोर निर्णय पहले भी उन्होंने लिए, अब आने वाले समय में भी लेंगे। हाँ ठीक है, उन्होंने हमारा जो जितना जो ओवर एक्सपेंडिचर है उसको डाउन साइज करना बड़ा जरूरी है, उसको मुख्यमंत्री जी भी कॉन्फेस करते हैं और कांग्रेस पार्टी भी उस चीज को कॉन्फेस करती है कि जब तक एक्सपेंडिचर का डाउन साइज नहीं होगा हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, अभी हाल ही में आप देख लीजिए जो मुंबई के अंदर वहां पे गए थे, वहां से मेरे ख्याल में 2000 या 2200 करोड़ का जो है आपका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया है, अभी भी फर्दर प्लानिंग में है और भी चीजें इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्होंने तो धर्मशाला में इतनी बड़ी इन्वेस्टर मीट कर दी, वहां पे कितने मेरे ख्याल में 48,000 करोड़ के तो फुलके खा गए, चपातियां 48 करोड़ की खा गए, इनको नहीं दिखता कि कहां पे क्या खर्च है। विजेंद्र जी से सवाल ले लेते हैं, मनरेगा का आपने सवाल उठाया, वो जरा जवाब दे दें विजेंद्र जी। सारी परिस्थिति में बुद्धिमानी क्या होती इस सरकार की, सुखू सरकार की बुद्धिमानी ये होती है फिजू खर्ची पे रोक लगाते, ये एक नया एग्जांपल सेट करते, ये इस तरीके का प्रोपेगंडा करके करोड़ों रुपया खर्च करके इसको प्रेरोगेटिव नहीं कहा जा सकता है। जो बात मनरेगा की कही, देखिए आप एक बात को समझिए कि श्रमिक कल्याण बोर्ड हिमाचल हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर बना, श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसके अंतर्गत मिल रहे हैं, श्रमिक कल्याण बोर्ड में राज्य सरकारें अपने उसमें जो है क्लॉज ऐड कर सकती हैं, वो हमारे एक्ट में उसके प्रावधान है, तो इसलिए ये जो बेनिफिट्स भी रोक दिए आज निर्माण मजदूरों के, आइडल मजदूरों के, फोर लेन मजदूरों के, रेलवे मजदूरों के, मनरेगा मजदूरों के, और ये कहा जाए कि इसमें पूरा केंद्र सरकार की ही भूमिका हो सकती है उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये एक तरह से पल्ला झाड़ना है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, देखिए आप एक चीज, आपने 5000 किलोमीटर सड़कें बनाने का वायदा किया ना, उसको भूल जाइए अभी आप ऐसी स्थिति में। आपसे तो सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्री कोविड टाइम्स के या कोविड टाइम की जो सड़कें हैं, जैसे साथी आष्टा जी ने भी बात की कि उस समय में जो हमारे बसें जो बंद हुई, परिवहन व्यवस्था ठप हुई और उसके बाद आपदा आ गई, जो हमारी सड़कें बदहाल हो गई, टूट गई, वही दोबारा से जो है शुरू नहीं हुई है। तो आप तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रचार की बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की बातें कर रहे हैं। आपसे हम ये कहना चाहते हैं, ये सरकार को फर्क दिखाना पड़ेगा। ये वोट फॉर चेंज हुआ था, और वोट फॉर चेंज का मतलब क्या है, पुरानी सरकार की कहीं ना कहीं लीक से हटके चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा था, और इसका मतलब क्या था कि आपको लीक से हटकर कुछ काम करना था। क्या काम करना था, मैं कह रहा हूं आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र सरकार ने निर्धारित की आपने लागू कर दी, आपको मालूम ही नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इससे हिमाचल का क्या नुकसान हो जाएगा,
इससे जो है शिक्षा किस तरीके से केंद्रीकृत हो जाएगी, इससे किस तरीके से आपके जो एजुकेशन के राइट्स हैं वो मर जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं है। आपको ये भी मालूम नहीं है कि स्मार्ट मीटर योजना लागू करने से हिमाचल को क्या नुकसान हो जाएगा, आम जनता को क्या नुकसान हो जाएगा। आपका घोषणा पत्र धरे का धराया जाएगा 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, आपका बिजली बोर्ड ही नहीं बचेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चैनल अंबानी और अडानी के हाथ में होगा, बड़ी कंपनियों के हाथ में होगा। तो इसलिए आपको वो बात करनी है जो जनता के पक्ष में है। अभी आप शहरी आजीविका योजना की आपने बात की, छोड़ दीजिए उस चीज को, शहरी आजीविका योजना भी छोड़ दीजिए, 5000 किलोमीटर की सड़कें भी छोड़ दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो आप मनरेगा की जो स्कीम, जो पूरे हिंदुस्तान में आज तक के दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा रोजगार की कोई योजना नहीं है, ऐसी योजना को जो आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको लड़ाई लड़नी है उसके बजट की केंद्र सरकार से वो लड़ नहीं पा रहे हैं, ऊपर से आपने बीओसीडब्ल्यू के नाम देते हैं, समय काफी हो गया है ना खान ख्यान जी, अब विराम देते हैं, लंबी चर्चा हो जाएगी। कि आज हम चर्चा कर रहे थे, बोलना चाहता हूं मैं मेहरा जी को, बोलना चाहता हूं कि देखिए नारे लगा के सरकारें नहीं चलती, और जहाँ तक है, जहाँ आप एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे लोक निर्माण भी देखना पड़ेगा, यहाँ एजुकेशन भी देखना पड़ेगा, यहाँ रूरल डेवलपमेंट भी देखना पड़ेगा, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी देखना पड़ेगा, और यहाँ पे इसके साथ में और जो सामाजिक सुरक्षा की बातें हैं वो भी देखनी पड़ेंगी। हाँ, आपदा की बात में मैं सहमत हूँ कि आपदा इतनी बड़ी आई है, और ठीक है उसके अंदर मैं एक चीज और मानता हूँ, आपदा के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, अब उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने में थोड़ा समय तो लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपदा नहीं आई है और उसको समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हैं, जिस विजन को लेके मुख्यमंत्री आए हैं, और जो विजन मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार देना चाहती है, उसको मद्देनजर देखते हुए अभी इन्होंने फैसले हुए, बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस जरूर हुई हैं कुछ उनकी स्वास्थ्य को लेकर या कुछ और चीजें लेके, तो ये चिंता ना करें, ये मेहरा जी आप चिंता ना करें, आप हम यही रहेंगे डिबेट में, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें यही पे आपके सामने होंगी, और इसके लिए हम और कांग्रेस के लोग वादा करते हैं। ये कांग्रेस की एरोगेंस है, ये कांग्रेस एरोगेंस कोई नहीं है, कांग्रेस की एरोगेंस नहीं है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है, आप ये कांग्रेस की एरोगेंस नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। जितनी संवेदनशील लोगों के प्रति कांग्रेस है, उतना मैं नहीं समझता कि कोई और पार्टी होगी। ये आपकी एरोगेंस है क्या, नारे लगाने का? हमारी एरोगेंस नहीं है, मैं नहीं समझता कि जितना 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 संवेदनशील लोगों के प्रति, जनहित के प्रति, खासकर मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की कांग्रेस सरकार है। विराम दे दीजिए, चलिए ठीक है। मैं छोटी सी बात यही बोलना चाहता हूँ, जो कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता जो आते हैं ना, इन लोगों में अंदर ये जो सत्ता का नशा और ये जो एरोगेंस है, कभी बोलते हैं कि तुम लोग बारी बारी से, आप गलत बोल रहे हैं, एरोगेंस नहीं है। अगर आप, मैं ये बात अगर आपकी पंजाब और दिल्ली के बारे में कहूँ ना, अगर मैं ये पंजाब और दिल्ली के बारे में कहूँ ना, तो आपको बुरा लगेगा इस बात का। ये बिल्कुल भी बात नहीं है इस तरह से, ये एरोगेंस वाली बात नहीं है। देखिए, समाज के अंदर विभिन्न वर्ग हैं और विभिन्न वर्गों को चलाना है वो सरकार की जिम्मेदारी है, और जिस तरह से आप बात करते हैं वो नहीं है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो वो नहीं हो पाएगी। देखिए, और ये ऐसे नहीं चलेगा, एरोगेंस वाली कोई बात नहीं है। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का, कांग्रेस सरकार का एक साल का कार्यकाल कैसा रहा, उस पे पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी राय रखी, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का नारा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ चीजें उन्होंने की है, ग्रीन स्टेट बनाना है, सुखाश्रय योजना है, ई टैक्सी है, वहीं प्रदेश का जो खाली खजाना है उसको भरने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वो कितने आगे सार्थक होते हैं, अभी भी उन्होंने कहा है आज की कुछ और कड़े कदम वो उठाएंगे, लेकिन जनता पे सीधा बोझ ना लदे, ये भी विपक्ष की चिंता है कहीं ना कहीं। और एक मुद्दा विपक्ष आज उठा रहा है कि प्रियंका गांधी शिमला में होते हुए भी आज रैली में शामिल नहीं हुई, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी नहीं आए, कोई भी बड़े नेता इनके, सिर्फ प्रभारी के अलावा कोई भी इनके रैली में शामिल नहीं हुए, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं? विपक्ष इसको कई तरह के ट्विस्ट दे रहा है, तो कांग्रेस की कहीं आपसी कला को भी लेके चल रहा है, वहीं मंत्रियों के 3 पद भी खाली हैं, और राजनीतिक लोगों की ताजपोशियां भी, चेयरमैन वाइस चेयरमैन पे जो होनी है उसके लिए प्रतिभा सिंह भी बार बार बातें कर रही हैं। तो
आज हमने इसी विषय पर चर्चा की कि मुख्यमंत्री को काफी चुनौतियां रही, बीच में आपदा आई, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहा, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो टिके रहे और उन्होंने कुछ काम करके एक नई रवायत लिखने की कोशिश की है। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।